नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। ये भाग दो होगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे पड़ोसी राज्य और राजस्थान के जिले जो इन पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पंजाब राज्य की बात करते हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, श्री हनुमान। पंजाब राज्य के साथ में श्री हनुमान, तो श्री का मतलब श्री गंगानगर जिला, हनुमान का मतलब हनुमानगढ़ जिला। ये दोनों जिले पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। हरियाणा के साथ में कौन कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं, तो इसका ट्रिक है जय बजो हनुमान शेखावाटी आए, जय बजो हनुमान शेखावाटी आए। जय का मतलब जयपुर, बजो का मतलब भरतपुर, हनुमान का मतलब हनुमानगढ़, शेखावाटी यानी कि तीन जिले सीकर चूरू झुंझुनू, आए का मतलब अलवर। तो जय बजो हनुमान शेखावाटी आई, तो इनमें हमें एक बात कॉमन नज़र आ रही है, हनुमानगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। नंबर तीन यूपी बीडी, तो बी का मतलब भरतपुर और धौलपुर, डी का मतलब धौलपुर, दोनों जिले हैं वो यूपी के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एमपी, तो ट्रिक धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। धौला का मतलब धौलपुर, धौला का मतलब धौलपुर। करेला करौली सवाई माधेपुर किलो का कोटा। भील बाबा भीलवाड़ा बांसवाड़ा बारह झालावाड़ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, ये 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो यहाँ एक बात हमें कॉमन नज़र आ रही, यूपी और एमपी के साथ में दोनों के साथ में सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है, धौलपुर। और हरियाणा और यूपी के दोनों के साथ में सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है, भरतपुर। पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में सीमा कौन बनाता है, हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं गुजरात के साथ में जालिम बाबा उसी डूंगर पर, जालोर बांसवाड़ा बाड़मेर उदयपुर श्री सिरोही डूंगरपुर। राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। हनुमानगढ़ है वो पंजाब वे हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है। भरतपुर है वो हरियाणा और यूपी के साथ सीमा रेखा बनाता है। धौलपुर है वो यूपी वे एमपी दोनों के साथ सीमा रेखा बनाता है। और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात दोनों के साथ में सीमा रेखा बनाता है। आगे बढ़ते हैं कोटा वे चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य एमपी के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। ये दो बार सीमा बनाते, एक बार सीमा बना ली फिर दूसरा जिला गया बीच में, फिर ये वापस सीमा बना लेंगे। कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले हैं जो दो बार सीमा बनाते हैं एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। कोटा राजस्थान का वे जिला जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है वह अविखंडित है। राजस्थान का वह जिला जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है वह विखंडित है, कुछ भाग अलग है इसका चित्तौड़गढ़ का। तो कोटा अविखंडित है, चित्तौड़गढ़ विखंडित है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विखंडित करता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ दो भागों में बंटा हुआ है और दो बार सीमा बनाता है, तो इसमें बीच में कौन आ गया, भीलवाड़ा। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा वाला जिला है झालावाड़, और सबसे कम सीमा बनाता है बाड़मेर। सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ की, सबसे कम सीमा बाड़मेर की गुजरात के साथ।
और झालावाड़ की एमपी के साथ। 25 जिले राज्य के सीमावर्ती जिले हैं, 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमावर्ती हैं, 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती है, 2 जिले अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती कौन कौन, श्री गंगानगर और बाड़मेर। 8 जिले राजस्थान के वे जिले जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि अंदर अंदर जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं, राज्य के साथ में ने राष्ट्र के साथ में, जोधा, बुंटो, राजा, आजना, पादो, जोधा, बुंटो, राजा, आजना, पादो। तो ये जोधा, जोधपुर, बूंदी, टो टोंक, राजा, राजसमंद, आज, अजमेर, ना, नागौर, पापाली, दो दौसा, अजमेर। चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला, ये भी दो टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ है। राजसमंद अजमेर को दो भागों में विखंडित करता है, जैसे चित्तौड़गढ़ को कौन विखंडित कर रहा था, भीलवाड़ा, उसी प्रकार अजमेर को विखंडित कौन करता है, राजसमंद। इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है, इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है, तो इसका जिला मुख्यालय का नाम करौली, करौली के अंदर है इसका जिला मुख्यालय। राजसमंद, राजनगर, राजसमंद का जिला मुख्यालय है। सॉरी, कांकरौली, राजनगर, राजसमंद का जिला मुख्यालय है। पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद में नागौर है, वो 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। अब देखो ये पाली है, इस पाली के साथ में कौन कौन से जिले हैं वो 8 सीमा बनाते हैं, एक तरफ जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद, अजमेर और नागौर, ये 8 जिले हैं वो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं। जोधपुर के साथ में सीमा बीकानेर की भी लगती है, नागौर की भी लगती है। जोधपुर को छोड़िए, अब हम नागौर को देखते हैं, तो नागौर की को किस किस के साथ सीमा लगती है, जोधपुर के साथ में, बीकानेर के साथ में, 7 जिलों से लगेगी नागौर की, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, उसके बाद में जयपुर, अजमेर और पाली, इन 7 जिलों के साथ में सीमा लगती है। नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है, जयपुर संभाग के साथ में, अजमेर संभाग के साथ में, जोधपुर संभाग के साथ में और बीकानेर संभाग के साथ में। सीमावर्ती विवाद, मानगढ़ हिल्स विवाद, स्थिति बांसवाड़ा विवाद, राजस्थान गुजरात के मध्य, बजट 2018-19 में इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति, तो वागड़ क्या है, राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है, इसमें शामिल जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांगड़, एरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है, तो ये क्षेत्र बांगड़ के नाम से जाना जाता है। थड़ी, मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थड़ी कहते हैं, इसमें शामिल जिले बीकानेर व चूरू, जहाँ कोई नदी नहीं है। तली, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों के मध्य भूमि को तली या पलाया कहा जाता है, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है, तो पलाया जिले होती है छोटी छोटी, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। राठी, राठी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है, इसमें शामिल जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। राठ या अहिरवाटी, यादव वंश, अहिर द्वारा शासित प्रदेश, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर व जयपुर की कोटपूतली तहसील में है। माल हाड़ोती, बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश, जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में है, इसको मालवा
मालव या बोल सकते हैं ऐसे माल हाड़ौती प्रदेश मालव, एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में उन्हें मालव कहा जाता है तो इसमें शामिल जिले प्रतापगढ़ व झालावाड़, शेखावाटी, शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश जिसमें चूरू सीकर व झुंझुनू जिले शामिल है, तोरावाटी कांतली नदी के अपवाही क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, इसमें सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं, मरु एरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है, मेरु मेरु एरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर भरतपुर धौलपुर तथा करौली को मिलाकर किया गया, ABCD मत्स्य संघ शब्द के मुंशी द्वारा दिया गया। मत्स्य क्या था? ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिम भाग को मत्स्य कहा जाता था जिसकी राजधानी बेराट जयपुर में स्थित थी, बेराट का परिवर्तित नाम विराट नगर। तो बेराट सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और कुरु की इंद्रप्रस्थ। तो ABCD आपको दिखाई दे रहे होंगे, BDC को सूरसेन कहा जाता था। मेवात, मेवात अलवर वे भरतपुर जिले को कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है, मेव इसलिए अलवर और भरतपुर जिलों को मेवात कहा जाता है। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है, ये मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। बीड शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारा गाय भूमि को बीड कहा जाता है। बीहड़ डांग चंबल नदी के क्षेत्र को अवनालिका अपरदन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, उसे बीहड़ कहते हैं, इसमें शामिल जिले हैं करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर। बोराट उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुमलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग, ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है 1225 मीटर। भौमट, भौमट क्या होता है? उदयपुर का दक्षिणी भाग वे मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भौमट कहलाता है, इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। ब्रजनगर झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है। ब्रिजनगर राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है जो मुख्यतः यूपी से संलग्न लगता हुआ है। मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है, इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। मेवाड़ ऐतिहासिक काल में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा मेदपाट प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था। मेरवाड़ा मारवाड़ वे मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर वे आंशिक रूप से राजसमंद शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में इसे राजस्थान में मिलाया गया। तो ये छोटा कर लेता हूँ मैं इस मैप को। बाड़मेर का प्राचीन नाम मालाणी, पाली गुर्जरात्रा, जालौर झाबालीपुर, शिरोई चंद्रावर्ती, डूंगरपुर बांसवाड़ा।